नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्वागत है आपका टक्कर में। और इस टक्कर में दो जबरदस्त प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के होंगे आमने सामने। सुधांशु त्रिवेदी और पवन खेड़ा होंगे आमने सामने। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जनता यहां पर मौजूद है, जनता दागेगी सवाल। और याद रखिए, मुद्दा होगा कश्मीर का। और वो सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर एक तरफ देश की सेना सरहद पर हिंदुस्तान के लिए लड़ रही है, सीने पर गोलियां खा रही है, और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि सेना तो आतंकियों से ज्यादा आम लोगों को मार रही है। इन सवालों के बीच जम्मू कश्मीर भी कुछ सवाल पूछना चाहता है। वहां के लोग, वहां की जनता, वहां पर प्रशासन का हाल, वहां की सुरक्षा के इंतजाम, सब कुछ सवाल सरकार पर भी दाग रहे हैं। जी हां, सिर्फ जम्मू कश्मीर की सरकार टूट जाने से क्या जम्मू कश्मीर का रास्ता निकल जाएगा या फिर राज्यपाल के शासन से तस्वीर बदलेगी? लेकिन उससे पहले देखिए वो जहर जो जुबानी जंग में अब बदल चुका है सियासत के। ऑल आउट का ये नहीं मतलब होना चाहिए कि उसमें कश्मीरी भी साफ हो जाए और वो भी उनका मैसेकर हो। आज गुलाम नबी आजाद की इस टिप्पणी से सबसे खुश पाकिस्तान के लोग होंगे जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। कश्मीरी डोंट वांट पाकिस्तान, दे डोंट वांट इंडिया आइदर, दे वांट इंडिपेंडेंस। भारत वर्ष को नीचे दिखाने का जो कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारत के आर्मी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई मिलिट्री एक्शन हो तो उसमें मिनिमम सिविलियन कैजुअल्टीज हो, इसमें गलत क्या है? आज कश्मीर के पत्थरबाज खुश होंगे। अलगाववादी खुश होंगे। घाटी में आजादी के नारे लगाने वाले खुश होंगे। पाकिस्तान खुश होगा। पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकवादी खुश होंगे। चाहे वो ऑल आउट का मतलब हो या हार्ड परस्यूट का हो, वो मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए होना चाहिए। मिलिटेंट्स को खत्म करने के लिए होना चाहिए, सिविलियंस को खत्म करने के लिए नहीं होना चाहिए। हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे कि गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर क्या कहना है उनका, जवाब दे वो। क्या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात सोच रहे हैं? श्री गुलाम नबी आजाद नेता प्रतिपक्ष ने भी यही बात दोहराई थी। एक चिंता जो इस देश के हर नागरिक को होनी चाहिए कि हर बार जब कोई मिलिट्री एक्शन हो तो उसमें मिनिमम सिविलियन कैजुअल्टीज हो, इसमें गलत क्या है? दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की यह टिप्पणी कि घाटी में सेना आतंकवादियों से ज्यादा आम आवाम को मार रही है, लश्कर को पसंद आ गई। देश के सबसे बड़े दुश्मन के प्रवक्ता ने बाकायदा बयान जारी कर कहा, जैसा गुलाम नबी आजाद और दूसरे नेता कह रहे हैं वैसा हम पहले से कह रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीरियों को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। तो आज जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं उसको लश्करे तैयबा समर्थन कर रहा है। ये कौन सी राजनीति है कि कांग्रेस पार्टी आज देश को तोड़ने वालों के साथ खड़ी हो गई है? क्या इस देश के निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंता जाहिर करना अब एंटी नेशनल हो गया है? आजाद के बयान पर आग सुलग ही रही थी कि कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता ने कश्मीर पर विवादित टिप्पणी की। सैफुद्दीन सोज ने सरेआम खुलेआम कश्मीर की आजादी की वकालत की। मैं कहता हूँ, मुशर्रफ ने कहा कि आजादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने एक किताब में लिखा, तब भी सही था अब भी सही है। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और ये उन्होंने कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं कहा है। किताब में अपनी सोची समझी हुई सोच और विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। किताब बेचने के हथकंडे के दिए गए बयान से इस देश का शाश्वत सत्य बदलने वाला नहीं। हम इस प्रकार के सभी बयानों को अप्रासंगिक,
और मांगकर कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। एक तरफ गुलाम नबी आजाद तो दूसरी तरफ सैफुद्दीन सोज। आजाद के बयान का कांग्रेस बचाव कर रही है तो सोज के बयान से पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बीजेपी सोनिया और राहुल से जवाब मांग रही है। ये बार बार भारत वर्ष को नीचे दिखाने का जो कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारत के आर्मी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए। बयान और विवाद अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर भड़काऊ सियासत शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो। ये जो गवर्नर्स रूल लगा है क्या पवन खेड़ा जी, इतना खटक रहा है आपको कि आपकी पार्टी सेना पर भी अटैक करने से पीछे नहीं रह रही है, जरा समझाइए क्या महान सोच है इसकी कांग्रेस पार्टी में कि आप सेना के बारे में कह रहे हैं कि वो आतंकियों से ज्यादा आम लोगों को मार रहे हैं। इस बात को तोड़ना मरोड़ना ये चाहें तो तोड़ें, हकीकत यह है ये बयान फौज के खिलाफ नहीं है, ये बयान इस सरकार पीडीपी और बीजेपी के अलायंस की और केंद्र सरकार की असलियत खोलता है कि राजनीतिक प्रक्रिया समाप्त हो गई और सिविलियंस ज्यादा मारे जा रहे हैं। क्या सिविलियंस को ना मारने देना या उनके लिए कोई चिंता जाहिर करना देशद्रोह होता है? आप जब कहते हैं कश्मीर भारत का सिविलियंस को कौन मार रहा है? एक सेकंड सिविलियंस को कौन मार रहा है पवन खेड़ा जी? जाइए सिविलियंस को कौन मार रहा है पवन खेड़ा जी? इस देश का पवन खेड़ा जी सिविलियंस को कौन मार रहा है? कश्मीर का मतलब क्या है? नहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगी। सिविलियंस को कौन मार रहा है? सिविलियंस को कौन मान रहा है? कश्मीर का हिस्सा है पवन जी, कश्मीर की जनता भी भारत का हिस्सा है, और अगर आम जनता पर गोली चलती है तो आपका भी दिल दुखना चाहिए, मेरा भी दिल दुखना पवन जी। सिविलियंस को कौन मार रहा है? पंजना जी कह दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। अपने ही शो में दोनों हाथ खड़े करके आपसे पूछ रही हूँ, सिविलियंस को कौन मार रहा है? आप पहले ये घोषित कीजिए सिविलियंस को कौन मार, कोई बात नहीं, आपको कोई आपत्ति नहीं, ये घोषित कीजिए आप। खूब आपत्ति है तो फिर हमने किसको नहीं होगी आपत्ति? वही आपत्ति गुलाम नबी को मार रहा है, दिक्कत है, कौन मार रहा है सिविलियंस? क्यों भाग रहे हैं? गुलाम नबी को चिंता है तो आप भाग रहे हैं मेरे सवाल से, और आपकी चिंता है आप क्यों भाग रहे हैं मेरे सवाल से? आपकी और आजाद मैंने क्या जूबी अंतर क्यों, मैंने क्या जूबा पूछ दिया आजाद साहब और आपकी सर, चिंता में अंतर क्यों है? इसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल अंतर है, आप लोग बताइए सिविलियंस पे गोली चलनी चाहिए? सरदार जी आप बताइए अगर अंतर है और आप पर गोली चल जाए क्या बुराई है? सरदार जी से पूछ रहे हैं मैं उनके पास आती हूं, बुराई है या नहीं? सिविलियंस को कौन मार रहा है? सिविलियंस को कौन मार रहा है? फौज की गोली से भी मर रहे हैं, आतंकवादियों से। चलिए ठीक है आपने बोला तो सही, चलिए खड़े हो आप ही को वो एड्रेस कर रहे हैं। सिविलियंस पे गोली नहीं चलनी चाहिए, लेकिन जो हमारे जवान पे मारे जा रहे हैं पत्थरबाजों के जरिए, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? फेलियर ये है, आपने उनके लिए क्या बोला है? जवान इनके जो हमारे जवान मारे जा रहे हैं उनके लिए उनके फेवर में क्या बोला गया? 2014 से 2018 में सबसे ज्यादा जवान मारे गए, हमें भी वही चिंता है। और इनके नेता क्या कहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी राजनीति खेल रही है, सुधांशु त्रिवेदी आर्मी की जमीन पर कब्जा करते हैं, सुधांशु त्रिवेदी मुख्यमंत्री ने कब्जा किया, इनके स्पीकर ने कब्जा किया, और उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो कहते हैं फौज हमसे राजनीति खेल रही है, ये होता है अपमान फौज का। सुधांशु त्रिवेदी जी जम्मू कश्मीर की जो नौबत आ गई है कौन जिम्मेदार है? ये लोग लाए, अरे सर दो ये होता है अपमान देश का, दो वक्ता है, दो वक्ता है, देश का अपमान किया इन्होंने, आईएसआई को पठानकोट में क्यों घुसने दिया इसका उत्तर दीजिए। सवाल यह है कि 3 साल तक खूब मजे में आपने सत्ता में भागीदार बन के आराम से सब कुछ देख लिया सुन लिया, और उसके बाद अचानक आपको बुद्धि आई कि ये पीडीपी तो यार हमारी सहायता नहीं कर रही, आतंकवाद और कट्टरवाद बढ़ रहा है। जब हालत ऐसी आ गई कि सड़क पर पत्थरबाजी, सरहद पर खूब गोलीबारी, तब निकल लिए छोटे रास्ते से। देखिए आज के इस बयान के जब हाफिज सईद ने समर्थन कर दिया उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ किंतु परंतु का स्कोप रह गया है कांग्रेस के पास। और मजेदार बात यह है कि हाफिज सईद ने आज तक 2-3 बार जब भी भारत की किसी चीज का समर्थन किया तो कांग्रेस के ही किसी आदमी का क्यों किया भाई? वेद याद करिए किसके आदमी है? भारत के गृहमंत्री कुमार शिंदे क्या बात करने गए थे? बोलने लगे आप, क्या अब आप ही बोल लीजिए, क्या बात हो रही थी, क्या आरएसएस का कोई संदेश था? वेद प्रताप वैदिक क्यों मिलने गए हाफिज सईद से? वेद प्रताप वैदिक बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, वेद प्रताप वैदिक वेद प्रताप वैदिक मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, वेद प्रताप वैदिक और इसमें हाफिज सईद में एनएसए क्यों छिप छिप कर बैंकॉक में मिलते हैं अपने काउंटर पार्ट से? पवन खेड़ा जी यहां दो लोग हैं, एक तरफ कहते हैं टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर और दूसरी तरफ आप छिप छिप कर मिलते हैं, केक काटने क्यों गए नवाज शरीफ की अम्मी के पांव क्यों छुए इसका जवाब दीजिए। पवन खेड़ा जी यहाँ डिबेट में दो लोग हैं, नवाज शरीफ की अम्मी के पांव, अगर आपको स्पीच देनी तो पहले आप जवाब दीजिए फिर मैं बोलूंगा। देश मांग रहा है जवाब, देश दुखी है आपकी, मैंने आपने बोला ठीक है जवाब दे दीजिए फिर मैं बोलूंगा। चले गए केक काटने सुधांशु जी और यहाँ आकर आंसू टपकाते हैं, ये भोग नहीं चलेगा, 2019 की इंतजार कर रहे हैं हम सब, बहस पर कब्जा नहीं चलेगा, चलेगा क्या हम आपको बाहर बहस पर कब्जा चलेगा
चलिए जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। भाई ये बताइए, मेरे सवाल से मत भागिएगा। मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, दोनों बातों का जवाब दे रहा हूँ, इनका भी जवाब और आपका भी जवाब। भारत के गृह मंत्री को आज तक कभी हाफिज सईद की शाबाशी मिली है तो जनवरी 2013 में सुशील कुमार शिंदे को हिंदू आतंकवाद। एक बार नहीं मिली, झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने समर्थन किया था और उसके बाद फिर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। चलेगा दूसरी बात नहीं चलेगा, सबूत दीजिए। बिल्कुल तो चाहिए, सरासर झूठ आप बोल रहे हैं। अभी दिखाइए, उन्होंने समर्थन किया था हाफिज सईद, ये रहा मोबाइल, ये रहा बोलने पर। और दूसरा झूठ नहीं चलेगा, हाफिज सईद ने अपने इंटरव्यू में बोला है, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई ऐसा नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। डिबेट ऐसे नहीं चलेगी, मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा। डिबेट ऐसे नहीं चलेगी, पवन खेर फिर आप झूठ नहीं बोलने दूंगा। अरे सर सो झूठ आपने बोले, अभी बिल्कुल मैं शांति से सुनता रहा, आप बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। झूठ आप मिलेगा इसके बाद, इसके बाद मौका मिलेगा। ये झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी जैसे बुरे लोग नहीं, कांग्रेस जैसे अच्छे लोग भी है। ये बोला कि नहीं, यूट्यूब पे इंटरव्यू भी बोले हैं, और पत्रकारों हाफिज सईद ने बोला कि नहीं, पूरी राजनीति झूठ पे चली हुई है। हाफिज सईद ने इंटरव्यू में बोला कि नहीं कि भारत में बीजेपी जैसे बुरे लोग नहीं, कांग्रेस जैसे अच्छे लोग मिलने गए। आज हाफिज सईद ने समर्थन किया कि नहीं, बोलिए आगे ना। इसके श्याम आप्टे कहते हैं कि आईएसआई और मोहन भागवत मिले हुए आरएसएस के नेता बोलते हैं, ये भी रिकॉर्डेड है, स्पीच करा दीजिए, ये रिकॉर्डेड है। आईएसआरएस के नेता बोलते हैं 10 मिनट हमारे, और आईएसआई को पठानकोट में क्यों लाए इसका उत्तर नहीं मिला। पवन खेड़ा जी आपको आईएसआई पठानकोट में क्यों आई, अमित शाह शाबाशी देते हैं कि आईएसआई ने पठानकोट। अरे खेड़ा साहब उनको भी जवाब तो देने दीजिए। अरे हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे, प्रश्नों का उत्तर दे रहे। चलिए अगला सवाल इनकी है, सवाल सड़क छाप गुंडा कहने वाले पे क्या कार्रवाई की कार्रवाई की बताइए। वीके सिंह कांग्रेस का हर बयान, अब सुनिए मेरी बात, कहते हैं आतंकवाद डाकू है, जवाब मंत्री बनाया हुआ है, प्लीज उनको मंत्री। अरे पवन जी, पवन जी, पवन जी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विपक्ष में हम हैं, आप सत्ता में हैं, आज अब आप इस बोलने नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा सर? प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि आपकी बौखलाहट और खिसियात समझी जा सकती है। आपकी पार्टी झूठी पार्टी। आज का दिन कांग्रेस के लिए बड़ा समस्याजनक है, कारण जानते क्या है? गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री है और सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। अब कांग्रेस ये कहेगी कि हमारा एक्स सीएम और एक्स प्रदेश अध्यक्ष जो कह रहा वो मेरा बयान नहीं। ये कांग्रेस में बड़ी मजेदार बात है, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। दिग्विजय सिंह जो जनरल सेक्रेटरी है वो कोई बात बोलेंगे, जी ये हमारा बयान नहीं था। सांसद रह चुके संदीप दीक्षित बोलेंगे, जी ये हमारा बयान नहीं था। मोदी जी की बोटी बोटी काटने वाले उपाध्यक्ष बोलेंगे कि आप ये हमारा बयान नहीं था। हिम्मत दिखाइए, आपके साथ बड़ी मजेदार बात है, इसने बोला सब कुछ बोला जाएगा और उसके बाद सोचेंगे जनता इतनी मूर्ख है कि बयान नहीं दिया जाता। हिम्मत दिखाइए, अरे बताइए मोदी जी की बोटी काटने वाले बयान दिया था कि नहीं? नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी है हमें। नरेंद्र मोदी कैसे चले गए? ऐसा है भाई, क्यों चले गए नवाज शरीफ का केक काटने? क्यों चले गए उनकी अम्मी के पांव छूने? किसने बुलाया था? बिना बुलाए चले गए? आपकी सुई अटक गई है सर। क्यों? जब तक अटकेगी तब तक। अरे बड़ा रिपीट कर रहे हैं, अटकेगी जब तक उत्तर नहीं मिलेगा। कुछ नया बोलिए, सुई अटक रही है, मिलेगा मिलेगी, सुई अटक रही है। बार-बार पूछेंगे, बार-बार पूछेंगे, अगले 30 सेकंड के बाद हम सब आके खड़े हो जाएंगे अगर चुप नहीं होते। एक एक करके सर प्लीज, नो स्पीकिंग ओवर ईच अदर प्लीज। आपने जब सवाल पूछा है तो उसका इंतजार कीजिए, मैंने इंतजार कीजिए। हमारे आपको कोई नहीं टोक रहा था, आज के हालात आपको कोई नहीं टोक रहा था। देना सीखिए, केड़ा साहब आपको कोई नहीं टोक रहा था। विपक्ष में नहीं है, एक साल और सत्ता में, उसके बाद विपक्ष में आ जाइएगा। चलिए ठीक, 30 सेकंड बाद हम खड़े हो जाएंगे। अभी आप सत्ता में हैं, उत्तर दीजिए। पवन खेड़ा जी आपके हालात समझे जा सकते हैं, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। देशद्रोही तो इसलिए समझा जा सकता है कि आप मैं आपको देशद्रोही करार करता हूं। अरे आप कुछ भी कहिए, देश की जनता जो कह रही है। आईएसआई को ले आए, ये पहली बार हुआ इतिहास में। 71% वोटिंग होती थी हमारे वक्त जम्मू कश्मीर में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती थी। 7% पे ले आए, 7% वोटिंग हुई पिछले बाय इलेक्शन में। ये हालत कर दी। अनंतनाग एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरे दोस्तों जिसमें इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि 3.5 साल सत्ता का सुख भोग रहे थे लेकिन वहां लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। वहां चुनाव नहीं हो पाया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये हालत कर दी इन्होंने कश्मीर। पवन जी अब ये जवाब दे सकते हैं? देते ही नहीं। अब मैं जवाब दे सकते हैं? नहीं सकते। बोल रहे हैं आपने, इतने झूठ बोले मैंने भी। आप देते नहीं है जवाब, सुन मुझे हैरानी हो रही है।
एक तरफा बोलेंगे सुनेंगे नहीं भैया, जब अपना नहीं सुन रहे, जनता का नहीं सुन रहे, अपने नेताओं का नहीं सुन रहे, तभी तो इस मुकाम पे पहुंचे आपको जहां आज आप पहुंचे नहीं आता। अब मैं आ रहा हूं, आपको रहना नहीं आता। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, सरकार चलाना नहीं आता। उत्तर देना पवन जी प्लीज, आप लगातार बोल रहे हैं। उत्तर दिलवाइए, हमें चुप होइएगा तब तो जवाब मिलेगा। उत्तर मिला नहीं आज को। अरे ये बताइए, हाफिज सईद ने कांग्रेस के लिए बोला कि नहीं? स्टॉप बोल रहे हैं। हाफिज सईद ने कांग्रेस के लिए बोला कि नहीं? अच्छी बात है। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद ने जाकर पाकिस्तान में कहा भारत की सरकार को हटाओ। ये कैसे बताइए, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद ने कहा था कि नहीं? इमरजेंसी कब से लग गई कि हमारे बोलने पर भी आपत्ति? भाई देखिए, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आप हम पे लगाए हैं, ये कैसी इमरजेंसी? और कह रहे हैं कि उनकी इमरजेंसी, एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। हम लोग खड़े हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं, कौन है आप? प्लीज मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई उपाय नहीं है अब इसका। सर प्लीज, सब इन्हें प्लीज कहिए, इनके आगे हाथ जोड़िए, मैं भी जोड़ता हूँ कि उत्तर दें। सर हम भी हाथ जोड़ रहे हैं, उत्तर देने का मौका देंगे, इन्हें कहिए उत्तर दें। ठीक है, ऐसे नहीं होता, आप वरिष्ठ आदमी होंगे, अरविंद केजरीवाल वाला धरना कर लेते हैं। सर सर एक इतना बता दीजिएगा, अगर आपने 8 क्वेश्चन कर लिए, प्लीज उसका एक आंसर सुन लीजिए। वो तो आंसर दे रहे हैं तो आप आंसर सुनिए, क्योंकि हम भी कुछ पूछेंगे आपसे, हम उनसे भी पूछेंगे। उत्तर नहीं दे रहे, हमें यही आपत्ति। और प्रश्न आप ही से पूछा, मेरे प्रश्न नहीं है। उनकी बात सुन लीजिए प्लीज, विपक्ष में रहने का हमारा मतलब है। इनकी बात तो सुन लीजिए पवन खेड़ा जी, आप इनसे हाथ जोड़िए, इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करिए। मैं भी आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ मेरे भाई, इनसे हाथ जोड़कर कहिए एक तो उत्तर दे दें। अरे पवन जी, एक उत्तर दे आईएसआई पटना। सुनिए, आज क्रिया हुई है इधर और जवाब मांग रही है मत। आप आपस में लड़िए मत, देश के बारे में सोचिए, वहाँ के स्टेट के बारे में सोचिए कि उसका क्या होगा। लड़ने से काम नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे की ठीक है, एक सेकंड। जब नागरिक खड़ा हुआ देख रहा है तो वो नागरिक है, जब पत्थर उठा लेता तो आतंकवादी है। चलिए अब जवाब सुनिए, उन्होंने अपनी राय दे दी, अब सुधांशु जी बोलेंगे। सर अगले 2 मिनट प्लीज थोड़ा जवाब सुन लीजिए, लगातार बोल रहा है, तब तक आप चाय पीजिए। हाँ, चाय पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब जब सेना के खिलाफ कोई बयान आता है, संयोग से ये कह देते हैं, अलग बयान है तो कांग्रेस के ही लोगों का आ जाता है। आतंकवादियों के पक्ष में लिखित में शशि थरूर जी का ट्वीट है, मणिशंकर अय्यर जी का ट्वीट है, यही सैफुद्दीन सोज जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था, मसर्रत आलम को जब दोबारा गिरफ्तार किया गया तो वो गलत था। अब जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा, उसके बाद वो पार्टी का बयान नहीं माना जाएगा? अब बताइए, जिस जमाने में गुलाम नबी आजाद साहब सीएम थे तो दिल्ली दौड़ के आते थे कि अफजल गुरु को फांसी दे दी गई तो कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी। और आज का जो बयान है, आप बताइए, जो लोग केंद्र में मंत्री रह चुके, सीएम रह चुके, वो ऐसे बयान दे कि उस पर आपको किंतु परंतु लेकर सफाई देने की बात पड़े। और हर बार आतंकवाद को लेकर कोई भी बयान होगा तो आपका वो बयान आतंकवादियों के पक्ष में नजर आएगा, सेना के खिलाफ नजर आएगा। ये मुझे कारण नहीं समझ में आता, ये गलती एक तरफा ही क्यों दिखाई पड़ती है। और मैं फिर एक बार पूरे जोर से कह रहा हूं, मैं एक बार फिर ये पूरी जोर से कह रहा हूं कि भाई पाकिस्तान का विषय कौन लाता है? आज सैफुद्दीन सोज लाए कि हम लाए? मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जो विदेश मंत्री रह चुके हैं वो जाके पाकिस्तान में कहते मोदी जी को हटाओ, वो लाए कि हम लाए? और जहां तक आप कश्मीर की बात पे आता हूं, कश्मीर की बात मैं वही देख रही थी, भागते हैं कि नहीं मेरे सवाल से, मैं आ रहा हूं कश्मीर की बात। कश्मीर में हमारे पीडीपी से भयंकर मतभेद थे, फिर भी हमने मिलकर सरकार चलाई और ये हमने पहली बार नहीं किया। उत्तर प्रदेश में हमने बसपा के साथ भी रहे थे, डीएमके के साथ हम तमिलनाडु में रहे, और जब हम अकाली दल के साथ गठबंधन किया तब अकाली दल में बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे। हमने पूरी ईमानदारी और सजगता से काम किया और इसी पीडीपी के साथ की सरकार में रहते हुए, ये सच नहीं है क्या कि ऑपरेशन ऑल आउट चला? इसी पीडीपी के साथ सरकार में रहते हुए वो हुर्रियत के नेता जो इनकी सरकार के दौर हुकूमत में भारत की व्यवस्था के दामाद बन के रहते थे, उनके ऊपर ईडी के केस चले, वो एनआईए की जांच झेली उन्होंने, ये सच नहीं है क्या? और इसी पीडीपी की सरकार के चलते हुए वो दौर भी आया जब महबूबा मुफ्ती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो बच्चे जाकर आर्मी के बंकर पे पत्थर फेंक रहे हैं वो दूध डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं। मगर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो रीजनल पार्टी है भाई,
आपके तो नेता, आप तो नेशनल पार्टी, आप क्यों ऐसी बातें बोल रहे थे जो कि हमारे लिए खतरनाक थे? आप बताइए, आप लोग आखिर में मैं जवाब देता हूं, हमने गठबंधन क्यों तोड़ा? में से एक गठबंधन क्यों तोड़ा? अगर उत्तर मिला हो, अरे भैया आपने जवाब दिया कि हाफिज सईद ने आपकी तारीफ क्यों की थी? हमेशा हाफिज सईद आपकी तारीफ क्यों करता है? मैं अंजना जी एक सवाल कर लूं सर, मेरा शो है। नहीं नहीं, मैं भी कहना चाहता हूं, आप सुनिए, हाफिज साहब किसने कहा? अभी हमारे नेता ने, इनके नेता ने, अरे ओसामा जी किसने कहा? इनके नेता ने, त्रिवेदी साहब सुनिए, अफजल जी किसने कहा? आपके नेता ने, जाकिर नायक शांति का मसीहा आपके नेता ने कहा? ईश्वर का बिहार की लगा दीजिए, एक सवाल मैं भी पूछ सकता हूं। बताओ भैया जवाब, एक हाथ उठा के, हाथ उठा दिया, हाथ खड़े, जनता ने मेरी सिफारिश लगा दी है सर, मेरा सवाल सुनना ही पड़ेगा। आप जवाब दे दीजिए ना सारी बात। अरे आपने तो एक का नहीं दिया, मैं सबका दूंगा। ये जो हाफिज सईद, एक सेकंड, ये जो हाफिज सईद गुलाम नबी आजाद की पीठ थपथपा रहे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपके इतने बड़े वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, ये जो पीठ हाफिज सईद आपका थपथपा रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि इन्होंने पूरे बयान को तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश किया कि इंटरनेशनल लोग अब इसको देखने लगे। मेरा सवाल, पहली बार मैं उसी पे आया, वही तो जवाब ही तो दे रहा हूं। कैसा लग रहा है सर पीठ थपथपाने पर? क्योंकि इन लोगों ने इसको तोड़ा मरोड़ा, ये मिले हुए हैं। हम तो बार बार कहते हैं जो वेद प्रताप वैदिक को भेजते हैं ऑफिस से, भैया सैफुद्दीन सोच पाकिस्तान में जाता हूं साहब, और कह रहे इंटरनेशनल हो जाता है। अब मेरे को बोलने दीजिए, आपको मैंने 5 मिनट बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, आप भी, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। वैसे इन्होंने बोला साहब, इनको ये नहीं बताया मैंने, आसिफा अंद्राबी एक महिला थी जो पाकिस्तान समर्थक है, ब्रांड एम्बेसडर है इनकी सरकार की योजनाओं की कश्मीर में। जवाब नहीं देंगे आपको, यहां से कोई जवाब नहीं मिलेगा, यहां वहां घूम बच के कट लेंगे। बुरहान वानी के परिवार, बुरहान वानी का भाई था खालिद वानी, उसकी हत्या हो गई एनकाउंटर में, उसको मुआवजा दिया साहब पीडीपी और बीजेपी की सरकार ने। आतंकवादी को मुआवजा देने वाले लोग सवालों का जवाब दे रहे हैं। छोड़िए, आपने नहीं दिया, आपने जवाब दिया क्या? आपने बुरहान वानी का जवाब दिया, स्टेटमेंट दिया है आतंकवादियों को समर्थन दिया आपके नेताओं ने, हमारे एक नेता का जवाब, आप ही जवाब दीजिए। सुधांशु जी एक फिर जवाब दीजिए, सुधांशु जी अब इस बार उनकी बारी नहीं, अब तो चुप हो जाइए, आप ही से सीख रहे हैं वो, हक नहीं है बोलने का, आप ही से सीख रहे हैं। जवाब दिया देखो, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं इनको जवाब दूंगा, आपको क्यों दूंगा? अरे वाह भाई वाह, हम अभी तो हमसे जवाब मांग रहे थे, अब जवाब इनको दीजिए। अरे हम इनके जवाबदार हैं, आपके थोड़े ही, आपको ना इनके है ना हमारे, आपको ना इनके जवाबदार हैं। सवाल तैयार रखिएगा, अब आपकी बारी है, देखिए जोरदार सवाल सब तैयार रखिए। दूसरी बात, एजेंडा फॉर अलायंस सर, हाफिज सईद आ रहा हूं, उस पे पीठ थपथपाना वो देंगे क्या बेचारे जवाब? पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में मेरे दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई, भारत के खिलाफ आई, कश्मीर के खिलाफ आई, हम उस रिपोर्ट की निंदा करते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री जो 4 साल में हर 11वें दिन विदेश रहते थे, मैंने काउंट किया, हमने एवरेज निकाला, 4 साल में हर 11वें दिन विदेश रहते थे, अरे साहब बड़े बड़े भाषण देते थे, मैडिसन स्क्वायर गार्डन, मित्रों और क्या आया साहब जवाब में? क्या मिला? यूनाइटेड नेशंस का हथौड़ा। क्यों? कहां गई आपकी विदेश नीति? मैं आपसे पूछता हूं, और कहते हैं मैं बिना एजेंडा के गया। अरे साहब टैक्स पेयर के पैसे पे गए हो, बिना एजेंडा के गए? जो आदमी बिना एजेंडा के विदेश जाता है वो बिना नतीजे के लौट के आता है, और यही हुआ इस देश में पिछले 4 साल में। सुधांशु भाषणबाजी बंद कीजिए, कश्यप जी और मेरे विदेश नीति आपकी हाफिज सईद से पीठ थपथपाना है क्या? आपकी विदेश नीति क्या है हाफिज सईद? हमारी विदेश नीति हाफिज सईद से पीठ थपथपाना, हमारी विदेश नीति में 71% वोटिंग में कोई हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं होती थी कश्मीर में, आज कश्मीर में 7% वोटिंग होती है सर हाफिज सईद, ये आंतरिक नीति। अरे आप ये घिसे हुए रिकॉर्ड पे हाफिज सईद बोलते चले जाइए, आरएसएस की हाफिज सईद से वेद प्रताप वैदिक ने कराई थी, मैंने नहीं कराई, इन्होंने नहीं कराई, थपथपा रहा है पीठ आपकी। ये हालत हो गई कि चाइना पाकिस्तान को बोलता है हाफिज सईद को किसी और देश में ले जाओ, प्रेशर बहुत बन रहा है। ये कब हुआ? जब विदेश गए प्रधानमंत्री जी, चाइना गए बिना एजेंडा के, अभी 15 दिन पहले, आते ही 48 घंटों में चीन पाकिस्तान को सलाह दे रहा है आप चुपचाप से इसको सेंट्रल एशिया के किसी देश में ले जाओ हाफिज सईद को, प्रेशर बन रहा है। ये हालत है चाइना पाकिस्तान से मिलकर आज ट्रेनिंग दे रहा है हमारे बॉर्डर पे पाकिस्तान के फौजियों को। पहली बार मैं विदेश नीति की बात कर रहा हूं, मेरा रिकॉर्ड तो घिसा हुआ है। पहली बार रशिया रशिया पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है, ये पहली बार हुआ है। आई नजर ये है इनकी विदेश नीति, मैं नजर इनसे मिला रहा हूँ, ताकि कोई कुछ सवाल ना पूछ के मिला रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ, ये कांग्रेस की आजकल पॉलिटिक्स हो गई है, जो बोलना है बोलते जाओ, एंकर का सवाल मत पूछो। पवन खेड़ा जी बहुत हुआ,
हाफिज सईद पर जवाब दीजिए। हाँ, मेरा रिकॉर्ड घिसा हुआ है, वापस दे रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड है घिसा हुआ, बिल्कुल दे रहा हूँ जवाब, बोलिए। हाफिज सईद, क्यों पीट थप थपा रहा है वो गुलाम नबी आजाद का? हाफिज सईद और आरएसएस मिले हुए हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वेद प्रताप वैदिक जाजा गुलाम नबी आजाद क्या बोले, प्रशंसा कर रहे हैं, वेद प्रताप वैदिक क्या बोलने गए थे, ये क्या चल रहा है? आप कश्मीर को राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? आप कश्मीर का सांप्रदायिकरण क्यों कर रहे हैं? कश्मीर आज तक सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था, इन्होंने बनाया। गुलाम, नहीं, एक सेकंड, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तो आगे बढ़ने नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ बार बार, मैं तो बढ़ने दूंगी नहीं, आपको जवाब सुनाई, मैं बढ़ने दूंगी नहीं। मेरा सवाल ये है सर, अंजना ओम कश्यप ने यही स्टैंड लिया होता कि आईएसआई पठानकोट के मुंह से इसका बिल्कुल यही स्टैंड लिया था, 100 बार सवाल पूछा था इसी सुधांशु त्रिवेदी से पूछा था। आप भी हट जाती, कह देती कि मैं यहाँ अटकी रहूंगी जब तक नहीं बोलेंगे। जवाब दिलवाइए, आईएसआई आप बताइए ज्यादा खतरनाक क्या है, आईएसआई का पठानकोट में आना या आजाद साहब की एक टिप्पणी, दोनों में ज्यादा खतरनाक क्या? आईएसआई को पठानकोट का निरीक्षण करने के लिए 10-12 बार तो बोल चुके हैं, 10 बार बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा जब तक जवाब इन सबको नहीं मिले। हाफिज सईद की बड़ाई से आप लोग कितने गदगद हैं? में क्यों घुसी इसका जवाब पहले चाहिए। हाफिज सईद से कितने गदगद हैं? पठानकोट में क्यों घुसी इसका जवाब पहले चाहिए। हाफिज सईद से कितने गदगद हैं? आईएसआई पठानकोट में क्यों घुसी इसका जवाब, वो 100 बार पूछ चुके हैं हम इनसे, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इधर उधर करने लगेंगे, बगले झांकने लगेंगे, मुझे पता है। लेकिन आप बताइए हाफिज सईद, हाफिज सईद फिर नजर नहीं मिला रहे, फिर नजर चुरा रहे हैं जाकर पाकिस्तान, फिर नजर चुरा रहे हैं, और छठे दिन पठानकोट में आतंकवादी घुस गए, पवन खेड़ा जी, 6 दिन पवन खेड़ा जी, और उसके बाद आईएसआई घुस गई। बहुत बहादुर कोशिश रही आपकी, लेकिन मुश्किल है आज तक के सवाल से बच पाना, मैं इन खेलों में आज तक के सवाल से बच पाना बहुत मुश्किल है, आपके लिए मजाक होगा, मेरे कोशिश नंबर 20 आईएसआई कोशिश नंबर 20 भी आपकी फेल होगी, नंबर 100 आईएसआई पठानकोट में क्यों घुसी, कोशिश नंबर 101 हाफिज सईद, 102 आईएसआई पठानकोट में क्यों घुसी, हाफिज सईद, 103 आईएसआई पठानकोट में क्यों घुसी, 104 मुझे लगता है कि अब हमारे दर्शकों का बहुमूल्य समय आप बर्बाद कर रहे हैं, 105 गलत बात है, आप समय बर्बाद कर रहे हैं सर, आप भी कर रही हैं, आप भी कर रही हैं, सही बड़ाई क्यों कर रहे हैं, प्यारे से मर्जी भयो से सर, जवाब तो दीजिए, है बिल्कुल देश प्यारा है हमारे लिए, इस देश के मासूम लोगों का खून बहाया उसने, जवाब देता हूं, इस देश के मासूम लोगों का खून बहाया, 10 मिनट से बोल रहे हैं, इस देश के मासूम लोगों का खून बहाया, बोल रहे हैं पठानकोट में मासूमों का खून बहाया, 10 मिनट से आप बोल रहे हैं, उत्तर चाहिए, जवाब दीजिए, नहीं देते हैं ये फिर यहाँ, अच्छा आपने तो बड़ा जवाब दिया, बड़ा जवाब, मैंने तो विदेश जवाब दिया, आते हैं इन्होंने विदेश दी, इन्होंने कश्मीर के मामले पे कहा ना, अरे भाई मैं कह रहा हूँ हाफिज सईद का जवाब दिया इन्होंने, बिल्कुल दिया, 2 बार दिया, और मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी से बात बता रहे, फिर दे दूंगा मैं आपको बात बता रहा हूं, आप ये इसका जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, बुलावे पे गए नवाज शरीफ का, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, केक काटने किसके बुलावे पे गए थे नवाज शरीफ, अरे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, रुक जाइए, आवाज नहीं आ रही है, रुक जाइए, मैं आऊंगी आपके पास माइक लेके, वो हाफिज सईद पे जवाब नहीं देंगे, देश का शर्म, वो हाफिज सईद पे जवाब नहीं देंगे, मुझे लगता है कि अब हर किसी ने सीख लिया है भाषणबाजी करना, पठानकोट में घुस रहे थे, जवाब दीजिए पठानकोट पर, देखिए साहब वो हाफिज सईद से भागते रहेंगे, नहीं भागा हूं वापस, भाग गए आप, कश्मीर का मुद्दा, और पठानकोट पे भी जवाब देता हूं, कश्मीर का मुद्दा दुनिया में एक बहुत विचित्र प्रकार का मुद्दा है, जहां पिछले 65-70 सालों से एक ताकतवर देश यह कह रहा है कि कमजोर और छोटा देश मुझे सता रहा है, यह इकलौता दुनिया का ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जहां जीतती हुई सेना ने युद्ध विराम किया था 47 में, हारती हुई सेना युद्ध विराम के लिए जाती है, ये इकलौता ऐसा मामला था जहां बड़ा देश जिसकी फौज जीत रही थी वो यूनाइटेड नेशंस में जाके पहुंच गया, सर आज की बात कीजिए ना, नहीं नहीं जब इन्होंने बात की, जब ये गए तो ये जवाब होती है, ये 2015 में गए इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, क्या नेहरू जी ये जवाब दीजिए, यूनाइटेड नेशंस में कौन ले गया और क्यों ले गया, अरे आप जवाब दीजिए, क्या बात कर रहे हैं, यूएन में लगा के आपने क्यों फंसाया, मैं बताता हूं आपको, ये जवाब नहीं देंगे, देखिए जब भारत को आजादी मिली शर्म आपको आनी चाहिए, तमाम रियासतों का काम आईएसआई पठानकोट में आप लाए, नेहरू जी नहीं लाए, क्या तरीका, अरे आपने तो आधा कश्मीर दे दिया नेहरू जी ने, क्या बात करते हैं, जन्मदिन का केक की बात, नहीं खाया नेहरू जी ने, नहीं खाया,
नहीं भाई ऐसे बहस नहीं हो सकती। नहीं खाया केक वो नवाज ऐसे बहस नहीं हो सकती भाई। बिना बुलाए मेहमान ऐसे नहीं हो सकती। बिना बुलाया मेहमान भारत का प्रधानमंत्री। आप जिस प्रकार की उद्दंडता उच्छृंखलता विचित्रता का परिचय दे रहे हैं मित्रों वो दर्शा रहे हैं। ये नाटक करने से काम सवाल का जवाब सुनिए। नाटक करते हैं अरे नाटक ये है कि कश्मीर को बर्बाद किया प्रधानमंत्री। नाटक करते 65 साल आपने राज किया। अकेले नेहरू परिवार ने राज किया और कश्मीरी नहीं इस देश को तोड़ा आपने। ये कैसे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नाटक करते हैं। प्रधानमंत्री नाटक करते हैं ये बोल रहे हैं। हम तो मानते हैं ये नाटक कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। प्रधानमंत्री करते हैं कई भैया ऐसा है। मैं ये भी कहूं राहुल गांधी के साथ रहते रहते आपकी बुद्धि भी वैसी हो गई। आज के शो में पहली बार इसलिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सहमत है। आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है भैया ऐसा है कि डिबेट को खत्म कर दीजिए ना। जब ऐसे ही चलना है ये चीखना चिल्लाना ही चलना है तो फिर क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं वो आप सोच रहे हैं कि आप अपनी पार्टी नंबर बढ़ाने के लिए पार्टी जी को नहीं पता था पीडीपी से इनका समझौता टूटा है। सवाल पूछ सकते हैं अखबारों के माध्यम से मिस्टर खेड़ा। मिस्टर खेड़ा सवाल। पवन जी हमारे यहाँ तुम्हारे राज में पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक करी और 4 मुंडी काट के ले गए और उसका वीडियो बनाया घुमा के गर्दन। सवाल पूछिए सर। और उसके बाद इनकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान की सेना थी। रक्षा मंत्री ने सदन के पटल पर बोला कि कुछ लोग आर्मी के भेष में आए जब हमने हल्ला मचाया तब ये बोले जाके कि आगे सुनाई क्यों नहीं करते हो आप। सुन लो मेरे भाई। अरे भाई तुम तो सुनो जवाब तो दो इतनी देर से चिल्ला ही रहे। अरे चिल्ला के अपनी पार्टी में नंबर बढ़ा रहे पार्टी के नंबर जनता में गिरा रहे। 4 साल में आप जनता की नहीं सुन रहे। आज तो सुन लो इस शो में तो सुन लो। आइए यहाँ आइए। वैसे इनका मैं उत्तर दूंगा। हमारी ही सरकार में बांग्लादेश में बना था भूलना मत। बीजेपी सरकार रही मलाई मलाई आपने खाली और खूचन भी नहीं छोड़ी और जबकि गृह मंत्री आपके हैं और फिर भी जो है पत्थरबाज बाज नहीं आ रहे तो कम से कम सोचने की बात है कि आप जो है लोगों के हित के बारे में सोचिए। जनता परेशान है और मुफ्ती जी महबूबा बीच में छोड़ कर चली गई। ठीक है जवाब दीजिए सर। ये जो आपने किया है ना ये पता नहीं क्या किया है। हाँ किसी को समझ में आ रहा है 2019 लग रहा है 19 की तैयारी है। सुधांशु जी देखिए आतंकवाद से लड़ने के लिए 3 डायमेंशंस की जरूरत थी। एक जो लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर आर्मी लड़ती है, दूसरा जो उनके आर्थिक स्रोत है, तीसरा पॉलिटिकल पक्ष। हमने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर हमने ऑल आउट चलाया, आर्थिक पक्ष पर हमने ईडी की कार्रवाई की जिन लोगों के पास पाकिस्तान से पैसे आते थे। अब सामाजिक पक्ष के ऊपर हमने दिल पे पत्थर रखकर पत्थरबाजों के भी पहली बार के केसेस माफ किए जिसपे ये कहेंगे पवन जी रिस्पांस आ रहा है क्या। साहब गड़बड़ हो रही है आप सिविलियंस की हत्या हो रही है। मैं बोलूंगा जी उसके बाद रमजान के मामले में भैया तरीका ठीक नहीं है भैया। आप ही बोल रहे हैं। जिन्होंने बोला है बोलने का तरीका नहीं होगा ऐसा बहस नहीं होगा। फिर शो खत्म कर दीजिए। अंजना जी ने मुझे बोला शो खत्म कर दीजिए। आप अंजना जी भाई सवाल उन्होंने मुझसे पूछा आपसे तो नहीं पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा आप नहीं पूछा। अंजना जी की तो बड़ी सुन रहे हैं। अरे भाई पब्लिक ने मुझसे आप मुझे जवाब दे दीजिए पब्लिक का। अरे भाई आप पब्लिक का जवाब मुझे दे रहे हैं ये क्या तरीका है भाई। मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ जब भाई अगर कांग्रेस से पूछ लीजिए उनके पास जवाब नहीं है। अगर इस ढंग से हल्ला मचाना है तो उनसे एक बार बात करवाइए। 15 मिनट उनसे बुलवाइए 15 मिनट हमसे उसके बाद खत्म डिबेट से हो गया। पवन जी प्लीज। अरे भाई उन्होंने पब्लिक ने मुझसे पूछा जनता के व्यक्ति ने हमसे पूछा आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और क्यों की क्या निर्मला सीतारमन ने इजाजत। अरे जवाब दीजिए आप। अरे आप जवाब दीजिए जो ये जवाब दिया की क्या बात कर रहे जो बोला गुलाम नबी आजाद उसका जवाब दीजिए। आज जवाब ने देखे बाएं दाएं घूम रहे हैं ये नाटक करने से कुछ नहीं होने वाला। अरे बताइए सड़क छाप गुंडा करने वाले पे क्या कार्रवाई की। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे अभी 2000 सड़क छाप गुंडा करने वाले पे कार्रवाई की। अरे नहीं है और हाफिज साहब और सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा। हाफिज साहब सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा बोलो जवाब दो। हाफिज साहब और सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा बोलो। हाफिज साहब सेना अध्यक्ष क्या कार्रवाई किया बताओ। दिग्विजय सिंह पे क्या कार्रवाई की और दीक्षित पे क्या कार्रवाई। बोलो 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 बोलो। हाफिज साहब और सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा। वाह भाई वाह। देने साहब या नहीं अंजना जी वाह भाई वाह। अब मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ नहीं देना। देखिए बच्चे अगर देख रहे हो टीवी तो आपने बचपन जैसे तो तैसा मुझे लगता है वही हो रहा है अब यहाँ पर। आइए मैडम आइए सवाल पूछिए इनसे। आइए आइए। निर्मला सीतारमन ने अनुमति दे दी एक मेजर के खिलाफ एफआईआर करने को दुर्गा बोला इंदिरा गांधी को वहाँ ये बोला। हम विपक्ष में रहते हैं हमेशा समर्थन करते हैं। जब यूनाइटेड नेशन में 1995 में मामला आया था अटल जी ने समर्थन किया था आपकी तरह नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में है
उन्होंने दुर्गा बोला और आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश गलत बना दिया हमने, शर्म आनी चाहिए आप। और आपने सड़क छाप गुंडा बोला, शर्म आनी, आपने सड़क छाप गुंडा। वीके सिंह कहते हैं फौज का जनरल डाकू है, माफी मंगवाइए, उसको तो आपने इनाम दे दिया, उसको तो आपने बांग्लादेश किसने बनवाया, इंदिरा गांधी ने बनवाया। अरे इंदिरा गांधी ने बनवाया और सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की और बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनवाया। बांग्लादेश तो बाल नरेंद्र, अरे कहिए जनरल जे जे जैकब, जनरल जगजीत सिंह और जनरल साहब ने बनवाया। बांग्लादेश बाल नरेंद्र ने बनाया, क्या बोले चले जा रहे हैं, काम करते थे ना बांग्लादेश। एक शब्द समझ में आ रहा था, शर्म शर्म कीजिए, शर्म पता नहीं शर्म कौन सी पार्टी में कौन सी दुकान में मिलती है। आप में से कई लोग उस वक्त थे बड़े बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, अगर मिलती तो नेताओं को देते कि एक दूसरे की बात सुन सके। खेरा, मिस्टर खेरा, मिस्टर खेरा क्वेश्चन। सर मेरे दोनों से क्वेश्चन है आपसे, लेकिन प्लीज आप लोग ना लड़िएगा नहीं, पहले सुन लीजिएगा। भाई मैंने तो लड़ाई शुरुआत की नहीं सर, सुन लीजिए। 10-12 मिनट झेला उसके बाद शुरू सर। पवन जी ने ये बात बोली थी, बार बार बोल रहे हैं कि मोदी जी गए थे नवाज शरीफ के माँ के पांव छुए थे, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि मोदी जी गए पाकिस्तान, उन्होंने पहल करी। लेकिन तो फिर भी बीजेपी किसी भी मुस्लिम को नहीं देती है टिकट, उसके बाद भी बीजेपी का नाम आते ही माइंड में क्यों डर लगने लगता है कि बीजेपी सरकार ना आ जाए, ऐसे क्यों होते सर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया। देखिए अंतर क्या है कि हम अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो खौफ पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं। मैं सिर्फ दो उदाहरण देके कहता हूँ। मंत्री कितने बनाए वो सब तो हम भी कहेंगे, हमारे ये मंत्री हैं, 3 मंत्री हम आपको गिनाएंगे, वो सब बातें अपनी जगह। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर वास्तविकता में विश्वास की जरूरत होती है, मोदी जी की सरकार आई, जब भी कोई सरकार आती है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ 15 दिन में बदल दिया जाता है। हमारी सरकार आई, श्री आसिफ इब्राहिम आईबी के चीफ थे, 7.5 महीने कार्यकाल के बाकी थे, आईबी चीफ भारत का, पूरा कार्यकाल पूरा किया। यह होता विश्वास से काम करना। जब अटल जी ने पोखरण का विस्फोट किया था तो CIA को भी पता नहीं लगा था, अटल जी के अलावा सिर्फ 2 लोगों को पता था, श्री जॉर्ज फर्नांडिस और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह होता है विश्वास के साथ लेके काम करना। मगर अफसोस है कि जो लोग आज स्वयंभू चैंपियन बनते हैं अल्पसंख्यक मतों के, उनसे पूछिए वो याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में जाते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजा में क्यों नहीं जाते। मेरा उनसे सवाल है कि वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जाते हैं और आतंकवाद के आरोपियों घर पे सिजदा करते, पर आपको पता है कश्मीर में भारत का पहला गैलेंट्री अवार्ड मिनर हुआ था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, वो भी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, एक नहीं गया उनके घर पे। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85 वर्षगांठ हुई, सिर्फ भाजपा वाले गए, इनमें से कोई नहीं गया। बोलूंगा फिर आप मत, अब जवाब दे दीजिए। अरे धमकी किसको देते हैं सर? आपको तो देने की, जिसको देखिए वही धमकी दे रहा है आपको, धमकी देने की हिम्मत हमें नहीं बोलने तो ये कर देंगे, वो नहीं करोगे तो वो कर देंगे। बोलिए साहब, बोलिए। देखिए दादरी में धमकी और निकाला है गाय तस्करी के नाम पर, जिसने उसको मारा उसके अंतिम, जो मर गया वो बेचारा मलेरिया से डेंगू से मर गया, रवि सिसोदिया उसका नाम था, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने जाते हैं केंद्र के मंत्री और उसकी लाश पर तिरंगा रखते हैं। ये भी इसी सरकार जिसने मारा, समाजवादी पार्टी की सरकार की रिपोर्ट ने कहीं नहीं लिखा कि वो सांप्रदायिक कारण से मारा गया, सपा की सरकार ने, और ना गोहत्या की बात लिखी। ये बीच में बोल रहे हैं आप, सुन रहे हैं क्योंकि बौखला आप बताइए ना, ऑफिशियल रिपोर्ट है समाजवादी पार्टी, ऐसे बौखला रहे हैं जैसे 2019 सपा की सरकार के ऑफिशियल। जिसने मारा इतना, अरे भाई कहां मारा, कौन से कोर्ट में आएंगे, आपने कह दिया ऊपर ना आए लेकिन 100 तो आएंगी, मत घबराइए इतना, डरिए मत इतना। अरे आएंगे सर, मत डरिए। आपके कितने आएंगे? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, इनसे तो कभी नहीं पूछा। आपने कह दिया कि 100 से कम है, आपको थोड़ी बोला मैंने, इनको बोला मेरे और इनके बीच की बात है, मेरे और इनके बीच की बात है। 40 में सिमट गई, परेशान हो रही है। अरे क्यों नहीं परेशान हो गए, परेशान हो रही है, इनकी 2 सीटें आती थी वो भी भूल गया। बीजेपी भी दुश्मन, मीडिया भी दुश्मन, जनता भी दुश्मन, फूलपुर में सारे दुश्मन, गोरखपुर में सारे दुश्मन। अरे ये वक्त है कभी हमारा कभी इनका, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका, मतलब क्या हम देश के बारे में प्रश्न पूछना बंद कर दें? सीट के बारे में इसका क्या अर्थ हुआ? ये क्या मतलब हुआ कि आपकी सीटें कम आई तो इसलिए आप चुप हो जाइए? ये क्या मतलब हुआ? किसने कह दिया? बिल्कुल आप वही कह रही हैं, आपकी आपने कहा आपकी 100 भी नहीं आएंगी, हमने पूछा है सीटों का मुद्दा तो आप नहीं दे रही हैं, फिर आपने ये सीटें कम आई, इन्हें आपका सहारा चाहिए, इन्हें आपका सहारा चाहिए, मुझे तो इनका सहारा चाहिए जो यहां बैठे हैं। आज हालत ये है कि आज तो उतनी भी मैं नहीं हूं, मुझे खाने में सपोर्ट चाहिए, जितनी की हम छोड़ करना पड़ेगा दोनों जी का, मुझे चाहिए सपोर्ट। ये मैडम जिन्होंने अभी प्रश्न पूछा इनका, बड़ा प्रदूषण है दिल्ली में, गार्गल करना पड़ेगा चीख चीख कर। चलिए हाँ ये पूछे सर, मैं आप दोनों से, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी इलेक्शन होता है हाफिज सईद पाकिस्तान कभी कुछ, ये क्यों आता है सर? हमारे इलेक्शन से पाकिस्तान से हाफिज सईद से क्या मतलब है? हमारे हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का इलेक्शन है, कोई जो भी क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ का होना चाहिए, वहाँ का यहाँ क्यों आता है, ऐसा क्यों? बहुत बड़ी, इसका तो जवाब मैं दे दूं,
इसका अंजना जी मुझे देने दीजिए, वो बोल ले उसके बाद आप दे दीजिए, वो बोल ले उसके बाद आपके पास पहले आप दोनों से ऐसा आप ही बोल। ये ऐसा प्रश्न था, मैंने उम्मीद नहीं की थी यहाँ से कोई पूछेगा, क्योंकि सब कश्मीर पे ही बात करेंगे। किसान, बेरोजगार, महिला सुरक्षा, दलित अत्याचार, ये है असली मुद्दे। छोटा व्यापारी जो बेचारा त्रस्त है आज जीएसटी की मार से, ये है असली मुद्दे। ये उन्हीं मुद्दों से हमें बचना चाहते हैं, ये इन्हीं मुद्दे से हमारा ध्यान भटाना चाहते हैं, इसलिए कभी हाफिज सईद के सहारे में चले जाते हैं, कभी ओसामा की शरण में चले जाते हैं, कभी पाकिस्तान के आगे शरणागत हो जाते हैं। यही तो हम एक्सपोज करना चाहते हैं, असली बात आपने यही की, बहुत सही प्रश्न। अब मैं जवाब देता हूँ, जो आपने पाकिस्तान की बात कही, पहली बात मेरी ये, पाकिस्तान का रेफरेंस आता है तो भारत के अंदरूनी राज्यों में उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, मुझे समझा दिया जाए। किसी के भावनाएं कैसे अफेंड हो जाती हैं पाकिस्तान का नाम आने से, ये मेरी समझ से किसी की नहीं होती। दूसरी बात, किसकी होती? पाकिस्तान का मामला कौन लाता है, ये कौन बोल रहा है? हम आपके बिना नहीं बोले ना, तो फिर कोई भारत के अंदरूनी राजनीति में प्रभावी नहीं माना जाना चाहिए भाई? देश के दुश्मन का नाम दिया जा रहा है तो अंदरूनी राजनीति में प्रभाव कैसा? और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई आप बोले, बार बार कहते हैं किसानों को जवाब दो, बेरोजगारों को जवाब दो, छोटे व्यापारी को जवाब दो, पाकिस्तान में जवाब दे रहे हैं तो आप नहीं बोले? मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप बार बार देखिए वो लोग मुझे बोलने दो। अरे आप, हाँ भाई पाकिस्तान में कौन, बताइए बोलने को कुछ हो तो पाकिस्तान जाकर कौन कहता मोदी को हटाओ? बड़ी शंकर अय्यर पूछी, हम आपसे कर लिया, प्लीज एक बार उनसे बोल लेना, हाँ, क्योंकि ये पाकिस्तान का पाकिस्तान पाकिस्तान करके हम लोग चले जाएंगे। अरे भाई सर, आप पूछने वाले सर, आप लोग अभी अंदर जाके कॉफी पियेंगे दोनों सर, सर उन्होंने अब जब चुप हुए हैं तो आप लोग दोनों सुनिए ये क्या कह रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ अभी आप जितना लड़ने क्योंकि आप अंदर जाने के बाद अभी दोनों बहुत आराम से कॉफी पियेंगे, लेकिन हमारे सामने इतना लड़ रहे हैं कि पता नहीं कितनी मार धाड़ होगी। सिर्फ आंसर उनसे ले लीजिएगा प्लीज सर, थोड़ा सा बोल लीजिएगा। अब देखिए मैं जवाब देता हूँ, ये बताइए पाकिस्तान में जाकर मोदी जी को हटाओ किसने कहा, हमने या इनके नेता ने? पाकिस्तान के राजदूत को बुलाकर गुजरात से निकाल तो दिया, एक बड़ी शंकर अय्यर के पीछे पड़े हुए हैं। सलमान खुर्शीद किसने कहा? सुनिए, टीपू जयंती पाकिस्तान मनाती, टीपू जयंती ये मनाने लगते हैं। सैफुद्दीन सोज आज पाकिस्तान का मुद्दा लेके आए बीच में, ये बताइए पाकिस्तान को विषय कौन मनाता है, हम या ये? हमेशा इनके नेताओं ने बनाया, बार बार हमने कभी मुद्दा नहीं बनाया। पाकिस्तान में पटाखे छोड़ने की बात कौन करता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मगर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो पटाखे छोड़ने मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद खुद पाकिस्तान चले जाएं। अगला सवाल। अब सर मेरा सवाल आपसे है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है हमारे इंडियन सोल्जर्स की तरफ से, तो आपकी तरफ से उनके सबूत क्यों मांगे जाते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सबूत की बात नहीं थी, बात ये थी कि फौज का राजनीतिकरण। सर्जिकल स्ट्राइक हमारे वक्त, मनमोहन सिंह जी के वक्त 3 बार हुई, आपने सुना? क्या बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? क्या फौज का राजनीतिकरण करना चाहिए? अरे सरकार, बीच में मत बोलिए, सरकार फौज के पीछे छिपकर और राजनीति करे, इसके हम विरुद्ध हैं, इसके हम खिलाफ है और इसके हम खिलाफत करेंगे। आप फौज को अपना काम करने दीजिए, आप उसमें राजनीति ले आएंगे तो आज तो आपने छोटी राजनीति की, कल को आप बड़ी राजनीति करेंगे और देश को नुकसान होगा। फौज इंडिपेंडेंट है, उसको अपना काम करने दीजिए, हम सिर्फ इनसे बार बार यही कह रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? इनका सवाल सबूत पे था, उसके तुरंत बाद सबूत किससे देना? फौज से मांगा है सबूत, मांगा है सबूत, ये झूठ बोल रही है, सबूत क्यों मांगा गया था? क्योंकि डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पॉलिटिकल आदमी बोलिए, जवाब दीजिए। फौज बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी थी? किसकी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? सुनेंगे तो बोलूंगा, डीजीएमओ की थी? अरे भाई आप बोलिए, जवाब दीजिए ना, तो रहेंगे तो बोलूंगा। एक सेकंड, ये सवाल से आपके जवाब से संतुष्ट नहीं, सरकार ने बोला, सरकार ने सुधांशु जी ने बोला, सुधांशु जी हिम्मत ही नहीं है, पोस्टर लगा दिए मोदी जी के बड़े बड़े हर राज्य में, सर्जिकल स्ट्राइक के 48 घंटे में मोदी जी के पोस्टर फौज के साथ। नहीं नहीं, ये आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, झूठ मत बोलिए आप। डीजीएमओ मिस्टर खेड़ा, ये सवाल आज के सवाल से, प्रश्न का उत्तर काउंटर क्वेश्चन, तो आप बीच में क्यों टोक रही हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीएमओ ने की, उसमें आपको क्या, किसी मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, झूठ बोल रहे हैं। इनके प्रश्नों का उत्तर किसी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, झूठ बोल रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे राज्य, हर राज्य में होर्डिंग लग गई थी 48 घंटों के भीतर। वाह भैया, ये होती राजनीति। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक के होर्डिंग्स लगी, बांग्लादेश क्यों भाई गांधी बनवाएंगी, क्यों बताइए? तो चाहिए मैं मानेक्षा ने, जनरल अरोड़ा ने, जनरल जैकब ने बनवाया और सर्जिकल स्ट्राइक फौज ने किया, जबकि फौज ने बोला। बताइए मोदी जी ने की थी सर्जिकल स्ट्राइक जब बांग्लादेश बनवाई थी, बांग्लादेश इंदिरा गांधी बनवाई थी, बाल नरेंद्र ने बनाया था, हम तो मान गए
नहीं नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ ना, बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनवाया था, तो फौज ने नहीं बनवाया था, वो फौज ने नहीं बनवाया, वो तो इंदिरा गांधी ने बनवाया, वाह भाई वाह, उन्होंने बांग्लादेश बनाया, मान लेते हैं। पवन खेड़ा जी, ये सवाल पूछ सकते हैं सर आपसे? भाई आप तो राष्ट्र बनाने वाले थे, चुप कराइए, ये पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपने हमें तो मना कर ही दिया है, 100 बार टोक दिया है। अरे भाई जनता देख रही है कौन बोल रहा है, किसको चुप कराने की जरूरत है। ये वैसे गजब का स्वरूप है सर, मजबूरी है, 2019 तक यही स्वरूप रहेगा और 2019 के बाद सर आप ठीक कह रहे थे, बाद में बैठ के आराम से कॉफी पिएंगे, यहाँ पे बड़ी दुश्मनी दिखाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हमारे मेहमान हैं इसलिए इनकी तरफ से कही हुई हर बात से राखों पर, वरना इस तरह के इल्जाम का जवाब बड़े अच्छे से दिया जा सकता है। सवाल इसका अधूरा रह गया था, ये सबूत पर सवाल आपसे फिर से पूछना चाह रहा था और इसीलिए मैं आपको टोक रही थी, पूछो। सर जो सबूत मांगे गए थे, क्या इससे हमारे जवानों की भावनाएं आहत नहीं होती कि वो अपनी जान पर खेलकर किसी तरह से दुश्मन के भीतर उनके बॉर्डर के अंदर घुस के वो लड़के आते हैं, फिर भी यहाँ उनके देश में उनके ही लोग, जवान सीने पर गोली खा रहा है। एक तरफ गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि वो ज्यादा आम लोगों को, नागरिकों को मार रहे हैं, कभी आप कहते हैं सबूत दो, सेना का ऑपरेशन था ना, तो आप सेना पर सवाल खड़ा कर रहे थे। छोड़िए मोदी को, छोड़िए सुधांशु त्रिवेदी को, छोड़िए सबको, इसका सवाल है सेना के मनोबल पर आप लोग क्यों चोट करते हैं। वो उत्तर दिया, वापस दे रहा हूं, सेना का मनोबल उस दिन डगमगाता है जब आप सेना का उपयोग राजनीति के लिए करते हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं सेना का उपयोग राजनीति के लिए आप भी मत करिए और भी कोई नहीं करे, मैं वो मानता हूं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं शुरुआत यहां से हुई, हम उसी के खिलाफ हैं। और सेना का अपमान मैं आपको बताता हूं, पहले ये सैनिकों की जमीन पर, अगला सवाल, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, असली मुद्दा तो अब आया, जम्मू कश्मीर में इनके उप मुख्यमंत्री ने फौज की जमीन पर कब्जा किया, मैं पहले भी बोला, मैं वापस बोल रहा हूं, उसके बाद जब पूछा गया तो कहते हैं फौज राजनीति कर रही है, आज तक उससे न माफी मंगवाई गई न उसको निकाला गया, आज इनका हीरो है पवन जी, ये होता है अपमान, आदर्श स्कैम किसके जमाने का अपमान, पवन जी आप मेरे को ये बताइए कि सेना के इतने जवान रोज मर रहे हैं, गवर्नमेंट उनके बारे में क्या कर रही है, क्यों सोच रही है, और आप आपस में झगड़े में लगे हुए हैं, आज ये हो गया आज वो हो गया, अरे देश के बारे में सोचिए, बिल्कुल तो कोई सोच नहीं रहा, सवाल क्या है गवर्नमेंट में, मैंने सवाल ये है कि आप देश के बारे में सोचिए, कि देश के हित के बारे में सोचिए। भाई साहब आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, प्रश्न बहुत गलत आदमी से पूछा, विपक्ष में रहते हुए दोनों से मेरा सवाल ये है, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिक्स करना आपकी नियति है और वो हमें दिख रही है जो इतनी देर से हो रहा है, क्या आप ये बताना चाहेंगे कि इस पॉलिटिक्स के जरिए क्या आप कश्मीर को सॉल्व कर सकते हैं? आपको नहीं लगता है कि कश्मीर जैसे सीरियस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए बड़े सीरियस एफर्ट्स की जरूरत है? सही बात है, बहुत अच्छा, ले अंजना जी मैं बोलूं या नहीं? सर आप ही बोल रहे हैं, बोलिए, पूछ लूं, जरूर बोलिए, उत्तर दे दूं, हम यही कह रहे हैं, देखिए जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां दो पहलू होते हैं, एक जो फोर्सेस अपना काम कर रही हैं वो, दूसरा राजनीतिक प्रक्रिया, 3.5 साल में राजनीतिक प्रक्रिया ठप हो गई, हम बार बार यही कह रहे हैं इसको गंभीरता से लो, इसको राजनीतिकरण मत करिए। आप जवाब दीजिए, कश्मीर पर नेशनल मीटिंग एक भी नहीं बुलाई, सर्वदलीय बैठक अगर एक बुलाई हो पूरे देश में नहीं बुलाई। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कश्मीर में पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा आतंकवाद फैला रहा है, ठीक, हमने पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं की आतंकवाद के अलावा, सिर्फ दो ही बार ऑफिशियल बायलेटरल डायलॉग हुआ, एक बार उफा में प्रधानमंत्री स्तर पर, रिटेन में आतंकवाद पर, पाकिस्तान उस पर कायम नहीं रहा, एक बार एनएसए लेवल पे बैंकॉक में केवल आतंकवाद पर। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस सार्क रीजन के दो बड़े मुस्लिम देश बांग्लादेश और अफगानिस्तान पहली बार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने बयान दिया है। बताइए आपके जमाने में तो आप हवाना में जाके ये कह दिए 2007 में कि पाकिस्तानी आतंकवाद से पीड़ित है, इतना बड़ा काम, और बताइए 26/11 पाकिस्तान ने कराया और दिग्विजय सिंह कहते आरएसएस को वहां से हटा नहीं पाए, इस ढंग के बयान देने वाले लोग आज आकर ऐसे चिल्लाएंगे नहीं और क्या करेंगे, पड़ोसी देश है, क्योंकि तथ्य तो है नहीं सामने। अगला सवाल, श्रीलंका के साथ चाइना, मेरा सवाल बीजेपी से है। अच्छा ये लिख के लाया, बड़ी मेहनत करके ला रहे मिस्टर खेड़ा, सवाल लिख के लाया, आप तो मिस्टर खेड़ा ही, मेरा सवाल बीजेपी से है, मेरा सवाल बीजेपी से है, जब एक पत्रकार वेद प्रताप वैदिक 26/11 के मास्टरमाइंड के पास पहुंच सकता है, तो आपकी पूरी की पूरी सरकार के बाद जो सब कुछ है वो क्यों नहीं पहुंच सकती और वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? आपने बहुत अच्छी बात कही, देखिए पत्रकार जब जाते हैं तो पत्रकार तो
ओसामा बिन लादेन, अमन अल जवाहिरी, अबू बकर अल बगदादी का भी इंटरव्यू लेके चले आते हैं, क्योंकि वो लोग उनको स्वयं बुलाते हैं। और रही बात इसकी, वेद प्रताप वैदिक जी के बारे में जो कहा जाता था, उनका खुद का बयान है कि उनकी सबसे ज्यादा मित्रता किससे थी, नरसिम्हा राव जी से। अगर उनके पास कोई सरकारी पद था तो नरसिम्हा राव जी की सरकार में। तो भैया अगर ये बात बारी है कि नजदीकी किससे थी, तो वो, और रही बात इसकी, पत्रकार को तो वो बुलाते हैं इसलिए वहां जा पाते हैं और कार्रवाई करने की जहां तक बात है, पर कम से कम हम कभी हाफिज सईद की हौसला, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, मेरा सवाल ना उसे बचाव का रास्ता देते हैं बीजेपी से, कि इनकी सरकार ये मानती है कि 26/11 हाफिज सईद ने कराया, और दिग्विजय सिंह कहते हैं 26/11 हाफिज सईद ने कराया। पहले बताइए आपकी सरकार सही थी या दिग्विजय सिंह सही दिखेगा आपको, हल्दी पार्क का पानी मिलाया जाता है, एक सेकंड, सीना उनका 56 इंच का नहीं है, अरे बताइए हाफिज, आपकी सरकार सही है दिग्विजय सिंह सही, सरकार कहती है 26/11 हाफिज सईद ने कराया, दिग्विजय सिंह कहते हैं 26/11 आरएसएस ने कराया, बताइए दिग्विजय सिंह सही है आरएसएस सही? चलिए सर, अब कॉफी पीने का टाइम आ गया, आपकी सरकार सही, क्या प्रधानमंत्री का काम सिर्फ तालियां बटोरने का है? अब कॉफी पीने का टाइम आ गया, जम्मू कश्मीर पर चर्चा कर ली, जम्मू कश्मीर पर जी भर के चर्चा कर ली, बहस कर ली, लड़ लिए, कौन ज्यादा बोला अपने अपने पार्टी दफ्तर में रिकॉर्ड बन रहा होगा, कॉफी पीने का सबसे ज्यादा आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।